आज हम लोग चर्चा करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिजल्ट्स के बारे में दोस्तों। और रिजल्ट्स अभी अभी आ चुके हैं 1:30 पे और डिस्प्ले भी हो चुके हैं। तो दोस्तों कैसे रहे रिजल्ट्स, उस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से। चलिए दोस्तों, हम लोग क्विकली महाराष्ट्र बैंक के रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। दोस्तों डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें, उसके बाद ही कोई ट्रेड इनिशिएट किया करें। यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, मैंने ओरिजिनल फाइल डाउनलोड कर ली। यहां पर आप देखिए बोर्ड मीटिंग आउटकम 1:20 पर आए हैं और यहां से देख सकते हैं कि जो रिजल्ट्स है कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन दोनों ही रिजल्ट डिस्प्ले किए गए हैं इस फाइल में। अब जरा इसको दोस्तों, ये स्टैंड अलोन दोस्तों रिजल्ट है। हम लोग जो भी व्यूज लेते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टैंड अलोन रिजल्ट से देखेंगे एनपीएस के बारे में क्या रहा। तो दोस्तों सबसे पहला जो पैरामीटर हम लोग देखते हैं हाईएस्ट बैंकिंग में, वो है एनपीए। एनपीए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप पैरामीटर यहाँ पे देख रहे हैं, एनपीए अमाउंट 525962 की फिगर रही है, जो कि लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर दोनों से कम है, यानी कि बहुत ही अच्छा हुआ है, एनपीए रिड्यूस हुए हैं। तो किसी भी बैंकिंग का अगर एनपीए रिड्यूस होता है दोस्तों, तो ये हाईएस्ट पैरामीटर माना जाता है बैंकिंग सेक्टर में। और परसेंटेज ऑफ नेट एनपीए जो है 0.88 हो चुका है 0.97 और 2.22 के मुकाबले। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि एनपीए रिड्यूस हुआ है, भले ही थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, बट रिड्यूस हुआ है, तो ये एक अच्छी चीज निकल के आती है रिजल्ट में। दूसरा दोस्तों, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो सेकेंड फैक्टर है, 11.97 की मार्जिन रही है, और जो कि 9 और लास्ट क्वार्टर 9 की थी, और लास्ट ईयर 5.49। तो रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट है, ऑपरेटिंग मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट है, और कहीं न कहीं दोस्तों देख सकते हैं यहां पर कि ओवरऑल एनपीए भी रिड्यूस हुआ है। अब नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज किया है स्टैंड अलोन में, और नेट इनकम आते हैं टोटल इनकम, ये स्टैंड अलोन है। टोटल इनकम मैं देख लेता हूं आपको, कंसोलिडेटेड में ज्यादा एग्जैक्ट फिगर निकल के आ जाएगी, वहां से ज्यादा क्लियर पिक्चर नजर आती है, तो मैं इसको कंसोलिडेटेड पे देखता हूँ। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टोटल इनकम रही है 377466 की रही है, जो कि लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर से थोड़ा सा डिक्रीजिंग है। तो जो चौथा पैरामीटर था हमारा टोटल इनकम का, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिल रहा है। एक्सपेंडिचर भी ऑब्वियसली इस क्वार्टर में डिक्रीज किए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो अभी भी अच्छा बना हुआ है 120211, तो 120211 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा, जो कि लास्ट क्वार्टर लास्ट ईयर से बेहतर। तो एक ही पैरामीटर, जो पांच पैरामीटर्स थे, ऑपरेटिंग मार्जिन, मार्जिन और एनपीए, टोटल इनकम और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें केवल ऑपरेटिंग इनकम जो है थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों नेट प्रॉफिट भी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, तो अर्निंग पर शेयर भी इस बार के थोड़े से इम्प्रूव्ड है 0.67, 0.53, 0.33 के मुकाबले। तो ओवरऑल दोस्तों रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे यहां से कह सकते हैं। रिटर्न ऑन एसेट भी बहुत अच्छा है, और ओवरऑल सेगमेंटेड रेवेन्यू भी इम्प्रूव होती हुई नजर आ रही है। तो रिजल्ट्स कह सकते हैं हर एक पैरामीटर पे एक अच्छा रिजल्ट कह सकते हैं यहाँ पर है। अब अगर हम देखें दोस्तों यहां से चार्ट में मैं देखता हूं, तो यहां से पिछले एक साल में लगातार फॉल होता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट ने 2023 में इसका टारगेट दिया है। तो कहीं ना कहीं ये शेयर 24 रुपए से करेक्ट होते हुए 16 रुपए के आसपास आ गया, और यहीं पे इसने बेस बनाया, ट्रिपल बॉटम यहां पे बनता हुआ नजर आया। जब आप ट्रिपल बॉटम देखते हैं यहां पे, ये देखिए दोस्तों, ये इसके आसपास है, 15 रुपए के आसपास का इसका ट्रिपल बॉटम है, और यहां से एक बार, दो बार, तीन बार बॉटम बनाया और इसको इसने ब्रेक नहीं किया। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली शेयर में बने रहें। 15 रुपए के आसपास का स्टॉप लगाइए, करंटली 16 रुपए 60 पैसे के आसपास का है, और अपसाइड इसका एक रेजिस्टेंस है दोस्तों यहां पर लगभग 17 रुपए के आसपास है, जो कि आज इसने टच करने की कोशिश करी, और 17 रुपए का यहाँ पे 16 रुपए 80 पैसे, 16 रुपए 90 पैसे के आसपास रेजिस्टेंस, अगर इसको इस प्रिसाइसली वॉल्यूम से निकाल लेता है तो यहाँ पे हम लोग 18 रुपए तक के टारगेट, और फिर उसके बाद हम लोग 19 रुपए या 20 रुपए तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं, वेर इज लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों 22 से 23 रुपए के टारगेट आ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज देखना होगा दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए जो आपको स्टॉप लॉसेज रखने हैं वो 13 रुपए के आसपास रखने हैं।
तो शॉर्ट टर्म के लिए काफी अच्छा शेयर हो सकता है। यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम से पिकअप हुआ है बीटीएसटी के तौर पे भी, और इंट्राडे में भी अच्छा पिकअप हो सकता है और अच्छा यहाँ से एक बूम बन सकता है। रैली ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 16 रुपए 35 यहाँ पर, तो 16 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के चले। इंट्राडे के लिए भी 17 रुपए 16 17 रुपए तक के टारगेट भी इंट्राडे के लिए आ सकते हैं। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक से जरूर जुड़ें। थैंक यू दोस्तों।